हे महादेव, मेरे अंतर्मन को यह अनुभूति हो रही है कि यदि मुझे आपके दर्शन पाने हैं तो पहले मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना पड़ेगा, इस संसार के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा, आपकी ही बात वैरागी होना पड़ेगा। मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी ये तपस्या तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक अपने अवगुणों से मुक्त होकर आपको प्रसन्न न कर दूं। मेरी ये तशीश मेरी अपार विद्या के प्रतीक हुआ करते थे, किंतु मैंने अपनी विद्या को अपने कर्मों से अविद्या में परिवर्तित कर दिया, और अब यदि मुझे पावन होना है तो मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। मेरा प्रथम अवगुण है क्रोध। क्रोध जिससे ग्रसित होकर मैं उचित अनुचित न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाता, मेरा दसवां शीश इसी क्रोध का प्रतीक है, मुझे उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। आभास हो रहा है कि कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। क्रोध नामक अवगुण के बस आपको अर्पित करता हूं। मेरा दूसरा अवगुण है अहंकार, जिसके कारण मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं। स्वयं को दोष मुक्त करने हेतु इस अवगुण की भस्म में आपको अर्पित करता हूं महादेव। ओम नमः शिवाय। तीसरा दोष है ईर्ष्या। मैं लोभी हो गया था प्रभु, जो मेरा नहीं है मैं वही चाहता था। अवगुण से मुक्त होकर इसकी भस्म मैं आपको अर्पित करता हूं। सुख दुख सब माया है और मुझे इस माया से मुक्त होना है प्रभु। एक रोग है, एक बाधक है आपको पाने में, सत्य को पाने में। स्वार्थ जिसके कारण मैंने केवल अपने प्रियजनों का हित सोचा और समस्त संसार का हित करता रहा। ओम नमः शिवाय। प्रेम भी मोह है जो संसार की वस्तुओं से बांध कर रखता है और ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाता है। ओम नमः शिवाय। महत्वाकांक्षा जिसने सदैव मुझे अपने वास्तविक उद्देश्य से भ्रमित किया है, मुझे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। हे महादेव, नौ शीश अर्पित करने के पश्चात भी यदि आपने मुझे अपने दर्शन योग्य नहीं समझा है तो इसका अर्थ है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। आप मुझ तक नहीं आए तो क्या, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं अपने प्राण त्याग। यही और गंतव्य भी है, किंतु इस एक क्षण के दर्शन ने मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति कराई, इसके पश्चात तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पूर्व जीवन आरंभ ही नहीं हुआ था। जितनी धन संपत्ति अर्जित की सब व्यर्थ, किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं। आपने मुझे निर्धन बना दिया प्रभु, सब कुछ छीन लिया मुझसे। आपके दर्शन मात्र ने सभी इच्छाओं का हरण कर लिया हो, अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, न क्रोध न भय न अहंकार। ऐसी रिक्तता का आभास पहले कभी नहीं हुआ, किंतु विडंबना तो ये है प्रभु, इस रिक्तता में भी ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष, ऐसी संपूर्णता जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा, अब मांगू भी तो क्या वरदान मांगू प्रभु। किंतु तुम्हारी तपस्या सफल हुई है दशन, मुझे तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो देना ही है, मांगो। नहीं
नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ दशाना, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। निसंकोच होकर मांगो। भक्ति, मुझे भक्ति का दान दीजिए प्रभु। अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए महादेव। मुझसे कुछ भी छिन जाए किंतु ये भक्ति सदैव मेरे भीतर विद्यमान रहे। कोई भी इसे पृथक न कर पाए, स्वयं मैं भी नहीं। तुमने भक्ति के वरदान को मांगा, अपने निस्वार्थ भाव का परिचय दिया, अपनी पवित्रता का परिचय दिया। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहे तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशा, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होंगे।